मैच नहीं हो रही है। आपने कमेंट्स में सवाल किया और उसका जवाब लेकर मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमें ये मालूम पड़ा कि कई लोगों को ये बिट नॉट मैच्ड वाला इशू हो रहा है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। पहला कि जब तक आपकी बिड मैच होने का टाइम आता है, सारी क्वांटिटीज लोगों ने खरीद ली होती हैं, यानी क्वांटिटीज अवेलेबल ही नहीं होती। और कुछ लोगों का कहना है कि कई बार तो भैया ऐसा होता है कि क्वांटिटीज अवेलेबल होती हैं लेकिन फिर भी बिड मैच नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब आपको अवेलेबल क्वांटिटीज दिख रही हो, उस समय पर भी लोग वो क्वांटिटीज खरीद रहे हैं और बिड्स इतनी जल्दी खत्म हो जाती है कि आपकी बिड मैच ही नहीं हो पाती। समझे? तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। इसका सोल्यूशन है मार्केट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो देखो, शॉर्ट में मार्केट ऑर्डर्स का मतलब है इंस्टेंट मैचेस। तो अब बिड मैच नहीं हुआ, बिड मैच नहीं हुआ वाली झिक झिक खत्म। तो देखिए, जब भी आप कोई अपना ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपके पास होते हैं दो ऑप्शंस, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। तो क्या होता है ना, जब आप लिमिट ऑर्डर लगा के अपनी क्वांटिटीज खरीदते हैं तो आपका मैच उसी प्राइस पर होता है। जैसे मैंने इस इवेंट की इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगी हाँ या ना, इस पे लिमिट ऑर्डर लगा के 6 रुपए पर बिट सबमिट करें तो मुझे मैच भी केवल 6 रुपए वाले ही प्राइस पर मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस इवेंट पर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करके ट्रेड कर लूं तो मुझे सिर्फ अपना इन्वेस्टेड अमाउंट लिखना है और मुझे अपने बिट का मैच मार्केट प्राइस पर उसी टाइम मिल जाएगा। तो इंस्टेंट मैच भी और इंस्टेंट प्रॉफिट भी। तो अगली बार किसी इवेंट पर अगर तेजी से क्वांटिटीज गिर रही हो तो मेरी बात मानिए, मार्केट ऑर्डर्स लगाकर अपना ट्रेड प्लेस कीजिए, आपको आपका मैच पक्का मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।